मध्याह्न भोजन रसोईया संघ की महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर दुर्ग के शिक्षा कार्यालय के पास एकत्रित होकर बनाई रणनीति। कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार 306 रुपए दैनिक व 9180 रुपए हमें भी दिया जाए। मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के बैनर तले रविवार को बड़ी संख्या में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाएं दुर्ग के जिला शिक्षा कार्यालय के पास इकट्ठा होकर राज्य सरकार से अपनी मांगों की गुहार लगाई और रणनीति बनाकर जिसके चलते सभी पीड़ित महिलाओं ने अपनी बातें राज्य सरकार के सामने रखी। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक अपनी आवाज़ पहुंचाने आगामी दिनों में राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन करने की योजना भी बनाई है। इसी कड़ी में रसोईया संघ की महिलाओं ने बताया है कि पूरे जिले में लगभग 1,40,000 रसोईया कार्यरत हैं जिसे मात्र प्रतिमाह 1,200 रुपये ही मिल पाता है। इस बढ़ती महंगाई में जिस तरह राज्य सरकार अन्य लोगों को राहत पहुंचा रहा है उसी तरह प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से अपनी मांग को लेकर गुहार लगाई जा रही है। गौरतलब है कि अपने ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने बताया है कि ये महिला दुर्ग ब्लॉक व दुर्ग नगर निगम मध्याह्न भोजन रसोईया संघ विगत 2001 से मध्याह्न भोजन रसोईया की कार्य करते आ रहे हैं मगर आज तक कलेक्टर दर से वेतन नहीं मिल पाया है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले रसोइयों को अब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 306 रुपए दैनिक व 9,180 प्रतिमाह प्राप्त होगा। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के इस निर्णय के बाद मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के मध्याह्न भोजन रसोइयों को न्यूनतम दर से 306 दैनिक प्राप्त भी हो रहा है। इस संबंध में न्यूज टीम को पीड़ित रसोईया संघ की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग 1 मई को वहाँ बैठक रखा गया यानी सम्मेलन रखा गया है, वहाँ हम लोग को जाना है और हम लोग को अभी नवंबर से पेमेंट नहीं मिल रहा है ना, तो इस कारण हम लोग बाकी जिलों में घोषणा कर दी है पेमेंट मिलेगा बोल के हम लोगों को नहीं किया, इसलिए हम लोग वहाँ जाके अपना बात रखना चाहते हैं रायपुर। क्या हमारा ये भूपेश बघेल के 1500 दो कही के अभी तक तो 1500 देवे कर एक महीना का है, नवंबर के आए अभी तक पेमेंट नहीं आया। हमने इससे कैसे ढंग के गुजारा करा था ना, पर कैसा लोग लेकर पाला था ये हम ही मन जानबो और ना पैसा अभी तक नहीं दे कि हो गए कि वो दिन अभी रायपुर गए 3 तारीख के तब बात करे से कि डीओ सब सन बताई से कि जनवरी तक पैसा चले अभी तक एंट्री नहीं हो है कि पैसा आए थे नहीं, तो हम का करन का नहीं करन और दे है मोहला मानपुर धान पूरा घोषित कर दे तो सरकार एक है तो सरकार सब धान ला एक चला ये हमला कहा था हमारा अपन मांग ला पूरा करे बर नौ मन धरना धरे बर मल्ला 9,180 रुपये पेमेंट मतलब 2 महीना से जारी हो चुके हैं तो हम मल्ला चाहिए कि 9,180 रुपये पैसा ओकरे बर हम मन मतलब मुख्यमंत्री कर विज्ञापन सौंप ऐसे कि सोचे हैं 1 तारीख के धरना प्रदर्शन रायपुर में है, वहाँ 1 तारीख के जाबो ऐसे कि बनी मतलब सब एकता संगठन करे हैं कि 1 तारीख के रायपुर जाना है। हम ना मतलब 20 साल हो गए काम करा तो हमारी नियुक्ति अंशकालीन से हुई से तो हमार मांगे है कि हम अंशकालीन ना करके पूर्णकालीन करें और कलेक्टर रेट से हमला पैसा मिलना चाहिए। आज किस तरह की आज वो है क्या बोलते हैं 1 मई के मजदूर संघ दिवस है तो वहाँ मतलब जो मांग है हमारे मन के 9,180 रुपये है मंथली तो वही मांग मतलब मुख्यमंत्री के पास हम रखा था कि हमला कलेक्टर रेट से दिया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।